ଆଜି ଆମେ ପଣସ କଠାର ଗୋଟାଏ ଚପ୍ କରିବା। ପଣସ କଠା ଚପ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପଣସ କଠାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଗଛ ତୋଳା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାଟି ନେବା। ଫ୍ରେଶ୍ ଗଛ ତୋଳା ଅଛି, ଟିକେ କ୍ଷୀର ବୋଧେ ବାହାରିବ, ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି କାଟିନେବି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିନେଲି। କାଟିନେଲା ପରେ ଆର ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେବି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଭିତର ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେଇଛି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ପାଚିଗଲେ ବୋତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଦରକାରୀ, ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ବାଦ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଝିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟିଦେଲି। ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଳୁ ମୁଁ ଦେବି, ଯୋଡ଼ିଏ ଆଳୁ ଦେବି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯିବା। ମୁଁ କୁକର୍ରେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କାଟିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ, କାରଣ ପଣସ କଟା ସିଝିଲାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଅଲଣା ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଏତିକି ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରେସର୍ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେବା ସିଝେଇବା ପାଇଁ। ପଣସ କଠା ତ ସିଝିଯାଇଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ କଠା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝିଯାଇଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏଇନା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇ ବସେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଚପ୍ ପାଇଁ। ପଣସ କଠା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲକି ହାତରେ ଚକଟି ନେଉଛି। ଭଲକି ସିଝିଯାଇଛି, ହାତରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇ ଚକଟିଲେ ସେ ଚକଟି ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଚକଟିଦେଲି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଚକଟି ନେଲି। ଲୁଣ ମୁଁ ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବା। କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କଡ଼େଇଟି ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଚପ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ପଣସ କଠାରେ ଚପ୍ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ିଆ। କଡ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଛି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଏଥିରେ ପକେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଟଣ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଆସିବ, ବସିଲେ ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ରସୁଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି,
करा जाइथिबा अदा को पकेली आपण चाहिले अदा उष्ण पेस्ट एकाले नै परिबे आ गोटे कंचा लंका छोट छोटकी काटथिले ताको मध्ये दे देली एगुडीका सब आमे तेल रे भाजि नेबा अदा रस पेस्ट आपण नै पारंती मु आकु पूरा कुटे कुटे काटी देछि बा कद्दूकस कर देछि कारण आर बासना अलग साधारण तो देखी थे छेका मसलार बासनाटा जमी बटा मसलार बासना अलग प्रकार मसलाटा टे आम पिज रसुण अदा कंचा लंका जो दिखाई से टे ब्राउन कलर हो पर्यटन आम टे भाजी ना पणस कठा तरकारी करेंगे पणस कठा चिल्ली हम पणस कठा पकोड़ा हम डालमा हम सबकिपर भजा भी हो पार आज मुझे नुआ प्रकार गोटे चप करे निश्चय घर चेष्टा करेंगे आपण बंधुवास आसिले करके खायापी सेयार गोटे करेंगे चैनल नुआ है सब्सक्राइब करेंगे सेयार करेंगे और लाइक करेंगे आ शेष पर्यंत देखापी आपण को अनुरोध चपटी किपर होके हलदी गुंड टे लंका गुंड घरे जो गरम मसला करछि से गरम मसला मध्य टिके मु देइ दउछि घरे किपर गरम मसला हेयर करछि नेक्स्ट आपको देखेबि निश्चय ताको सब गुड़ी आम भले कि लो फ्लेम भले कि टी कसई नहीं जीवा एवं एतिक बेले आम जो पणसटा को चकटिक रखीचे ताको दे दबा ताको देके भले कि टी भाजी नबा सीझा आलु जो दर्द चकटा रखी ताकूर मुझे भल कि सब मिसई ना आम लुण पकईने एति बेले आम लुण पकई ना टे जी आम दरकार दरकार पुतक लुण देद युवा भल कि आधे मिसीज से भल कि चकट नवा मत ये हो गलानी लास्ट रे जीरा लंका गुंड टिके दे दबा जीरा लंका गुंडर भजा जीरा लंका गुंडर बासना टिके अलग जीरा लंका गुंड टिके देके पुणी सबु तक एकाठी आम भल कि टे गोल नवा बस आमर मसला रेडी हो गला आम टिके थंडा करिया को छाड़ दबा तापर जीबा आम नेक्स्ट प्रोसेस को
नेक्स्ट प्रोसेस है आमर आम बेसन नहीं जब थंडा टिके आजा मुक बेसन नेली आनुमानिक नेली कि तथापि 150 ग्राम भाया बेसन नहीं स्वाद अनुसार लुण टे देदेली हलदी टिके देदेली लंका गुंड टिके देदेली तेल छणा जिनस मत जुआणी पकेले भल लगे तेनालीय निश्चय भल लगे मुझे आशा करछि कारण जुआणी बास्ना अलग ताको भल कि हाथ में टे घसी पकईदी मुझे गोड़े नी एम गोल द्वारा तार जो छोट 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 बिंदा टाइप रही भांगी तापर आम पानी दे कि भल गोल नवा टिके टिके पानी दे कि मुझे गोड़े नौ सोडा टिके दबा भूल जाइए आम फेटी सारापर सोडा दबा आगे पानी दे दबा सोडा टिके नबे छोट कणा है तेणु हाफ चमच मु सोडा नेली भल कि आम गोल मो हाथ में एगुड़िक एमती लंबा स्पेस दे गुला करदे देखो यही पोषण गुला कर सब रखी तापर आम कड़े बस तेल पकईवा तेल टी आम ताती आसला गुला गुड़िक बेसन गुड़ी छाड़देली एथेरे गैस टा टे बढ़ बेले आम चामच सहजे अलग करदे जाकि पड़ जाइए आपण घरे निश्चय ट्राए करेंगे पणस कठा चप करने पणस कठा चप कर खाइबे एवं बंधुवास को खुआवा सहित छुआ मैंने खावाक बहुत भल पाए जो मैंने पणस खाऊन पणस कठा खाऊन यही पणस कठार चप कर दिं तो देखिए से मैंने बहुत खुशी की खाइबे एवं बहुत भल लगे
टिके कलर ही आसमर आपड़ निश्चय रेसीपीटी करेंगे घरे करेंगे पणस कटा चप कर खाइबे कमेंट्रे जड़े केमती आपड़ ये रेसीपी भल लगे तेल पुणी आप डिमांड करेंगे पणस कठार आउ कौन कले भल लगे आपड़ कमेंट्रे जड़े आम निहाती करके आपण को देखू आमर आज रेडी गला पणस कटा चप ये आम काढ़ी नवा देखते मैं ये काढ़ी नी तापर अलग जो गुड़िक अच्छी आम पकई नवा ताको पंटे उल्टे नबा बेसनटा टिके हल्का पतला है कारण मोटा बेसन देले टिके भल लगे हल्का पतला बेसन है तेणुकर टिके हाथ रू गली पड़ कि पकुड़ी टाइप जमी छोट छोट सर सर पकुड़ी टाइप हो जाए जहा हूँ आपण मान भल पाइबा जो आज पणस कठार चप कर देखली आपण निश्चय घरे करके खाइबे आमर आज पणस कठा चप रेडी गैसटा को आम एथर बंद करदे पणस कठा चप रेडी।